फिर कक्षा 12 में हम एक गॉस की प्रमेय आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उसके बारे में आप ध्यान से देखिए। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में हम गॉस की प्रमेय क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे, उसका नियम बताएंगे आपको और एक सवाल बताएंगे। ओके, देखिए किसी बंद दृष्टि या कोई गॉसियन दृष्टि एक काल्पनिक दृष्टि होता है, इस पर सभी चर्चा किए होंगे आपको। ठीक, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी उस काल्पनिक पृष्ठ में से निकलने वाले वैद्युत रेखाओं की संख्या यानी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ओके, जिसे फाइस प्रेसिंग करते हैं उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी जो पृष्ठ है उसका कुल आवेश क्यू, कुल आवेश और उसका क्यू हो तो क्यू का 1/0 गुना होता है। गॉस की प्रमेय बता रही है कोई बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला वैद्युत प्लस फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या जो कुल आवेश क्यू का 1/0 गुना होता है। ठीक, अब यदि हम मानते हैं कि बंद पृष्ठ क्या हो कैपिटल ए से परिबद्ध कुल आवेश तो इससे निर्गत कुल वैद्युत प्लस फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होगा। परंतु हम जानते हैं कि बंद पृष्ठ यदि ए से वैद्युत प्लस क्या होगा वो फाई ई बराबर इंटीग्रल फाई ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ठीक, अतः या सो दैट ये देखिए या इसके बराबर तो या इसके बराबर ये दोनों चीजें एक दूसरे की क्या है सिमेट्रिकल है समान है, अतः इसको हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर q अपान एप्सिलॉन 0। ओके, अब हम इसकी उत्पत्ति आपको बताएंगे कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, आगे देखिए। ओके, देखिए इसकी उत्पत्ति देखेंगे उत्पत्ति। ओके, माना एक गोली पृष्ठ बनाते हैं आपको, ऐसे मान लीजिए ये हमारा गॉसियन पृष्ठ मान लीजिए बन गया। ओके, ये हमारा एक गॉसियन पृष्ठ हमने बना लिया। अब ये इसका पूरा क्षेत्रफल जो है ये है, क्या है ये। अब इसके अंदर ये बिंदु लेते हैं O, क्या लेते हैं O, जिस पर आवेश क्या है भाई Q है प्लस क्यू कूलम आवेश। अब देखिए इसी के संदर्भ में हम चलेंगे बाहरी किनारा एक घन कोणीय पृष्ठ, एक घन कोणीय पृष्ठ के रूप में एक कटान लेते हैं, एक ऐसा यहां से एरिया हम कट करते हैं। ओके, यहां से अब देखिए इसको मिलाएंगे, यहां से हमारी त्रिज्या बनेगी, क्या बनेगी त्रिज्या, इस माला से मानते हैं यहाँ माने सपोज दैट हमारा पी बिंदु है, क्या है पी बिंदु। अब इस बिंदु के एकांक वेक्टर खींचते हैं एकांक और इनके बीच का जो कोण होगा वह थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं थीटा। ओके, एकांक वेक्टर इसी पर हम दिखा देते हैं यन ये हो जाएगा डी ए वेक्टर। ओके, और ये हो जाएगा इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की प्लस की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, ये पूरा पूरा एलिमेंट्स ये क्या कहलाएगा डी ए यानी जो छोटा सा अवयव लिया गया है उसके ऊपर ये चर्चा की गई है। ओके, तो हम क्या करेंगे, माना कि एक बिंदु
आवेश Q, एक बिंदु आवेश Q लिया, ये कोई गॉसियन लिस्ट है, Q लिया और उस बिंदु एक O है, O पर बाहरी फलक पे एक हमने कटान लिया और उस कटान का छोटा सा अवयव यानी ये जो गॉसियन लिस्ट उस पर एक सर्कल लिया, यानी इसका एक छोटा सा भाग हमने DA कट दिया और ये बिंदु P है। P पर हमने क्या किया, ये वर्दुषण की डायरेक्शन है, इस पर एकांक वेक्टर हमने लिया, क्या लिया एकांक वेक्टर, तो ये DA एकांक वेक्टर हो गया इस क्षेत्रफल का और यह उस पर क्या एकांक डायरेक्शन एकांक। ओके अब हम इसका निरूपण करते हैं OP, तो देखिए माना देखेंगे माना बिंदु O पर, बिंदु O पर स्थित आवेश Q, स्थित आवेश प्लस प्लस Q के कारण बिंदु P पर वायु क्षेत्र E, वायु क्षेत्र E वेक्टर क्या है, E वेक्टर है जो जो OP क्या है, जो OP के अनुदिश है, क्या है अनुदिश, सब इतना पड़ेगा आपको मानना पड़ेगा। क्षेत्रफल अवयव देखिए, क्षेत्रफल अवयव हमारा क्या है DA, क्या है DA से गुजरने वाला, से गुजरने वाला वायु फ्लक्स, से गुजरने वाला वायु फ्लक्स ओके इसको लिखते हैं। देखिए छोटे से पार्ट में बातें लिखेंगे d5 e, यह हो जाएगा E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, अब यही बराबर होता है E DA cos थीटा, क्या हो जाएगा DA cos थीटा। अब देखिए थीटा DA वेक्टर और E वायु क्षेत्र की जो डायरेक्शन है उनके बीच का बड़ा कोण लिखेंगे, जहां थीटा जो है वायु क्षेत्र E और DA DA वेक्टर के बीच का कोण है, बीच का। अब हम जानते हैं E बराबर है क्षेत्र E बराबर 1/4 pi epsilon 0 q upon r square ओके तो अब हम ये पूरा तो छोटे से पार्ट पे D E निकालेंगे, D phi E बराबर क्या हो जाएगा Q 4 pi epsilon 0 r square, और देखिए DA DA cos theta DA cos theta ओके। अब इसके बाद आगे
हम जानते हैं डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए चूंकि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये डी ओमेगा होता है, क्या होता है डी ओमेगा, ठीक, यानी यांत्रिक घन को यांत्रिक घन को किसी भी पृष्ठ में कटा नहीं कटता है कोई संपूर्ण आकार का, तो उसका डी ए छोटे से पार्ट का घन कोण है, ओके, जो डी ओमेगा होगा। इसे लिख सकते हैं डी फाई ए बराबर, देखिए क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 अब क्या हो जाएगा डी ओमेगा, क्योंकि ये पूरे पूरे की जगह पे आप डी ओमेगा ले सकते हैं, ओके। अब हम जानते हैं, अब निकालेंगे संपूर्ण के लिए, क्या निकालेंगे संपूर्ण लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल देंगे पाई ई बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी, ओके। अब ये ही बराबर हो जाएगा हमारा, एक मिनट इसको हटाना पड़ेगा, इसका मान जाएगा पाई ई, देखिए क्यू अपान 4 पाई या सलन 0 इंटीग्रल पाई डी ओमेगा, डी ओमेगा। अब ये चूंकि डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, क्या होता है 4 पाई, इसलिए पाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई या एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई, 4 पाई से कट हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यही हमारे गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय है, ठीक समझ गए गॉस की प्रमेय क्या होती है। अब इसके आधार पे क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा क्या होगा, ओके। ये क्वेश्चन है, गॉस के प्रमेय पर आधारित एक क्वेश्चन मैं दे दिखाता हूं आपको, ये चलिए लिखेंगे, एक समान रूप से गॉस की प्रमेय पर आधारित एक होमवर्क रहेगा, गॉस की प्रमेय पर एक समान रूप से आवेशित दो मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक
गोली चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अस्सी माइक्रो कूलम 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। चालक से निकलने वाला चालक से निकलने वाला कुल वायु प्लस कुल वायु प्लस क्या कीजिए? ओके, इसमें एफ साइलेंट जीरो बराबर यार 10^-12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस सवाल में साफ करेगा गॉस की प्रमेय से इसको आप सलूशन दे सकते हैं क्यों अपान एफ साइलेंट जीरो, इसी से इसको आप हल करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।